Hi, my name is Kiran Shapuri and welcome to the magical world. So magic is one thing जिससे हम सब लोग fascinated रहते हैं. हम सबको अपनी लाइफ में magic चाहिए. कोई problem है जिसको overcome करना है, better job, more money, loving and caring partner and the list goes on and on. हम सबका मन करता है कोई जादू की छड़ी हो जिसको हम घुमाएं और हमारी life perfect हो जाए. But the thing is, इन सब चीज़ों को manifest करने के लिए हम अपने से बाहर ढूंढते हैं. Completely and totally not knowing that you yourself are a magical being. So you might ask me how. See, you are a part of divine. और अगर आप divine का हिस्सा हो या अगर आप soul हो तो आप supreme soul का हिस्सा हो तो उस हिसाब से आपके अंदर inherent qualities हैं to create magic. और जो लोग अपनी life में कुछ भी magically achieve कर पाते हैं या कुछ भी magical कर पाते हैं उनमें और आप में सिर्फ एक difference है. उनको कोई सीक्रेट एंशिएंट फॉर्मूला या टेक्निक पता है जो आपको नहीं पता. सो डोंट वरी, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग वन ऑफ द सीक्रेट एंशिएंट टेक्निक्स एंड फॉर्मूला टू दैट. सो इट्स अ फोर स्टेप प्रोसेस एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव फॉर दैट इज अ सीक्रेट प्लेस और एन अल्टर. अगर आपके घर में पूजा रूम है परफेक्टली फाइन, आप उसको यूज कर सकते हो. बट अगर आपके घर में पूजा रूम नहीं है देन यू नीड टू असाइन अ सेपरेट प्लेस फॉर दैट. बिकॉज यू नो आपका जो माइंड है वो सारी इन्फॉर्मेशन फाइव सेंसेस के थ्रू लेता है और सब चीज़ें भी फाइव सेंसेस के थ्रू ही एक्सपीरियंस करता है. सो इन द मैजिक वर्ल्ड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइव सेंसेस को इन्वॉल्व करें. सो फॉर दैट कोई भी स्पिरिचुअल आइकॉन है या रिलीजियस फिगर्स हैं उनकी पिक्चर्स आप वहाँ रख सकते हो. उस एरिया में आप इंसेंस या अगरबत्ती ज़रूर जलाएं. You know, your mind has to see and believe that something magical is happening in order to create magic. And the second thing that you should have in your altar is all the five elements. So, earth ke liye aap mitti ya soil rakh sakte ho, salt bhi rakh sakte ho. Salt is very good because salt absorbs all the negative energies and purifies that area. Pani ke liye aap simply mitti ke bowl mein pani rakh sakte ho. इससे आपके दोनों एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, वाटर एंड अर्थ. फायर के लिए आप दिया या कैंडल जला सकते हो. एयर के लिए आप फेदर रख सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, मेडिटेशन है, मंत्रा चांटिंग है या पूजा है, आप उसी एरिया में करें. इससे क्या होगा कि वो एरिया आपका हाईली चार्ज डिवाइन बबल बन जाएगा और जब भी आप कोई मैजिक वर्क करेंगे दैट एनर्जी विल हेल्प यू. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. And rest of the three steps I will be sharing in my upcoming videos. So if you don't want to miss that, do subscribe my YouTube channel and press that bell icon. Till then, be ready with your altar. See you soon. Bye-bye.